आता बघतो आता सुट्टी मिळाली तर येईन मी. आता आता मी सांगितलं ना सुट्टी आता नाही मिळेल त्याला मी तरी काय करणार. आता 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 मे मध्ये येईन मला सुट्टी मिळेल तर मी बघतो कसं काय करायचं. नौ हजार तक बता देना. मतलब तुझे अभी 7,000 मिलता है ये मत बोलना. फिर 4 महीने बाद तुझे हर क्लाइंट के पीछे 10% कमीशन भी मिलेगा. अरे लेकिन 9,000 पर नहीं माने तो उससे कम में मैं मान जाऊं? ऐसा लगे तो मान जाना पर ऐसा होना मुश्किल है. क्या है उन्हें भी काम करने वाले बंदे की जरूरत है ना. क्या हुआ? बाप रे खून. किसने मारा इसे? इसके साथ जो लड़की थी उसने तो नहीं? पता नहीं, लगता है ये तो गया. गया? मुकेश, मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए. चलो 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 खाली करो. चलो खाली करो. मर चुका है सर. पॉकेट चेक करो इसका. कैसे हुआ ये सब? पता नहीं साहब, जब ये आया था तो इसके साथ एक लड़की थी. उसी लड़के ने गोली मारी इसे? मालूम नहीं साहब, गोली का आवाज सुना फिर एक लड़की और दो लड़कों को भागते देखा. शेताजी जी का काम आए ना ते अपन नंतर. मी येतो ना, मला मे मध्ये सुट्टी मिळते. आई मी तुला नंतर कॉल करतो. सर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हो सके सिवाय इस ट्रेन के टिकट क्या? ये तो 26 मार्च का टिकट है देहरादून जाने का. मेल 24. मतलब ये लड़का 26 को जाने वाला था. वो लड़की और साथ में दो लड़के कौन थे? उन लोगों को पहले कभी इधर नहीं देखा था और इस लड़के को भी कभी नहीं देखा. तुम लोगों ने फोन किया था ना? जी सर. क्या देखा तुमने? हम लोग तो उस तरफ बैठे थे, गोली चलने की आवाज आई तभी हम यहाँ आए. मतलब ना तुमने लड़के को देखा ना उसके साथ दो लड़के थे उनको देखा? नहीं सर, हमने उन दो लड़कों को नहीं देखा लेकिन उस लड़की को जरूर देखा. शायद वो लड़के बाद में आए हो. ऐसा कैसे हो सकता है? वो दो लड़के और लड़की साथ में भागे थे ना. तू हमें नई स्टोरी तो नहीं छिप रहा ना? सर वो पहले हम इसी बेंच पर बैठे थे, करीब 12:30 बजे की बात है, फिर ये लड़का यहाँ आया था. मुकेश यार मुझे 1 महीने की नोटिस देनी होगी. अरे पर तू तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना? हाँ यार, देख जॉब तो मैं छोड़ दूंगा उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन डर लगता है ये साले कंपनी वाले मेरी सैलरी ना रोक ले. उनको बता ही मत ना कि जॉब छोड़ रहा हूँ. देख सीधा मंथ एंड में सैलरी ले ले और मेरे यहाँ आ जा. बट तुझे लगता है ना मुझे ये जॉब मिल जाएगी? मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, वो लोग तैयार है. आतिश तो झूठ बोल रहे हैं. तो फिर छोड़ देना मुझे. शिरीष बस तू एक बार आके सैलरी की बात कर ले. तू मेरे फोन क्यों नहीं लेता तू आजकल? बस बात करने का मन नहीं करता. अरे चल जाना यार. आतिश मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, समझा तू? कर क्या लगी तू? ये कॉलेज के लफड़े भी ना. हाँ यार चल उस तरफ चल. देख आतिश मैं तुझे बता रही हूँ ये सब करके तेरा कोई फायदा नहीं होगा. सर हम लोग वैसे ही परेशान थे, ऊपर से ये लोग पका रहे थे तो मैं और श्रीश यहाँ से उठकर दूसरी तरफ चले गए. फिर अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी. और वो लड़की इस लड़के को क्या वो आतिश नाम से बुला रही थी? मैंने कम से कम 2 बार तो सुना होगा सर. एक 24 साल का लड़का जिसका नाम आतिश था उसे भरी दोपहर में एक पार्क में गोली से मार डाला गया. दो लोगों ने उसे और एक लड़की को झगड़ते हुए देखा था और बागीचे के सिक्योरिटी गार्ड ने एक लड़की और दो लड़कों को बाद में भागते हुए देखा था.
पुलिस के पास सिर्फ इतनी सी जानकारी थी, कोई भी सुराग नहीं था कि ये लड़का कौन था जिसका कत्ल हुआ था और उसे क्यों मारा गया था। क्लोज रेंज से फायरिंग हुआ है। आपको क्या लगता है कौन सा वेपन यूज किया गया होगा? बुलेट देखकर लगता है रिवॉल्वर होगा। ₹900 और ये ट्रेन का टिकट, किसी तरह का कोई कार्ड नहीं मिला, पहचान की कोई चीज नहीं, और कहीं से ऐसा भी नहीं लगता कि वो लड़की और साथ के दो जो लड़के थे उनका कोई लूट कर रहा था। सर मुझे लगता है वो इसका सेलफोन ले गए, इसकी बॉडी के पास कहीं नहीं मिला। इस फोटो को अखबार में छपवा दो, एक दो दिन देखते हैं। काफी यंग लड़का था, और हाँ वो पार्क के आसपास जितने भी कॉलेजेस हैं वहां चेक करो, हो सकता है उनमें से किसी का स्टूडेंट हो। सर सर लगभग 20 कॉलेजों में जा चुका हूँ, कुछ पता नहीं चला, अखबारों के जरिए से भी कोई जानकारी नहीं मिल रही। हो सकता है पुणे में पढ़ाई ना कर रहा हो। खैर जो भी है, अब तक किसी न किसी को तो आगे आना चाहिए था। किसी भी थाने में ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। सर मैंने लड़के को तो ठीक से देखा था, पर लड़की को ठीक से देख नहीं पाया, अब अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। हाँ पर एवरेज लड़कियों जितनी हाइट थी उसकी, कुछ 5 फीट और 3 इंच, लेकिन चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था मैं। तुम कह रहे थे आतिश, इसी नाम से बुला रहे थे ना लड़के को? जी हाँ सर, ये नाम मैंने सुना था, क्योंकि वो लड़की ना ये नाम चिल्ला चिल्ला कर ले रही थी। आतिश तो झूठ बोल रहा है। तो छोड़ देना मुझे। आतिश मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने देखा था वो लड़की 2 लड़कों के साथ भाग रही थी। सर उसका चेहरा अभी याद नहीं आ रहा है। जब वो लड़की आई थी तब देखा नहीं था उसको? साहब वो रोजाना यहाँ नहीं आती थी, अगर रोजाना आने वाली होती तो पहचान जाता। अब तो बस यही एक क्लू है, पुणे से देहरादून तक का ये कंफर्म टिकट, मेल 24। हो सकता है ऐसे ही किसी काम से पुणे आया, रहने वाला देहरादून का। सर ये कंफर्म टिकट है, ये इंटरनेट से नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से निकाला गया। इस टिकट के बुकिंग फॉर्म से हमें इस लड़के की डिटेल्स मिल सकती। आतिश मिश्रा। सर इसमें एड्रेस भी है। रूम नंबर 13, बॉयज हॉस्टल, PMI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसकी फोटोकॉपी करा के आपको लौटा देंगे। ओके सर। ये लड़का तो हमारे हॉस्टल का नहीं है,
लेकिन इसके रेलवे बुकिंग फॉर्म पे आपके हॉस्टल का एड्रेस लिखा है, रूम नंबर 13। एक मिनट। रूम नंबर 13 में तो सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट गणेश तावड़े रहता है। नो सर, मैं तो इस लड़के को नहीं जानता। हो सकता है आपके कॉलेज में पढ़ता हो, पहले इस कमरे में रहता हो। अगर ऐसा होता तो मैं इसे पहचानता। इसका नाम कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड में होता। मिश्रा नाम का लड़का किसी भी सेमिस्टर या कोर्स में नहीं, और ये जो फोटो दिखा रहे हो वो लड़का यहां पढ़ता नहीं। इस लड़के का काफी कुछ झोल लगता है। एक लड़की से झगड़ा होता है, फिर दो लड़के आते हैं और इसे गोली मार दी जाती। कहीं कोई लंबा झोल ना हो, कोई रैकेट वैकेट तो नहीं चला रहा था। खैर, इसका पता तो तभी चलेगा जब ये मालूम होगा कि ये लड़का है कौन। ये लड़का कौन था जो मारा गया, और क्यों मारा गया ये लड़का? हर चीज उसके बारे में शक का इजाफा कर रही थी, ना कि उसकी पहचान पर गिरा पर्दा उठा रही थी। कत्ल में लड़की का शामिल होना इस संदेह को बढ़ा रहा था कि इस गुबार के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। लेकिन ये लड़का आखिर था कौन? पीएसआई राजपाल, देहरादून सिटी पुलिस स्टेशन। नमस्कार, मैं पीएसआई पाटेकर बोल रहा हूँ, पुणे पुलिस। नमस्कार, बोलिए। हमें यहाँ पार्क में एक लावारिस बॉडी मिली है, उसका संभावित नाम है आतिश मिश्रा। बॉडी पर आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ 26 मार्च का देहरादून का एक ट्रेन का टिकट मिला है, और बुकिंग फॉर्म से भी आतिश मिश्रा ये नाम कन्फर्म हुआ है। और आप चाहते हैं कि मैं इसकी तलाश देहरादून में करूँ? जी, बॉडी हमने अभी भी रखी हुई है। हम चाहते हैं कि उसके पास पहुँचा जाए जो इसे जानता हो, शायद वहीं से इस मर्डर का कोई सुराग हमारे हाथ लगे। ओके, आप उसकी तस्वीर मेल कर दीजिए, मैं तलाश शुरू करता हूँ। थैंक यू। बहादुर बोल, क्या खबर? सर, नाम आतिश मिश्रा ही है। कहाँ का है? सर, मार्केट में एक गारमेंट की दुकान है जिसका मालिक है गुरुनाथ सिंह। सर, सुना है 4 साल पहले ये लड़का इनके यहाँ किराए पर रहता था। ये जानता है उसको। गुरुनाथ सिंह? जी सर। ये तो आतिश मिश्रा है। कहाँ का रहने वाला है ये? घर बाहर रहता पता कुछ? सर, इसके पिता का नाम तो जगन्नाथ मिश्रा है, और ये मोतीचूर का रहने वाला है। मोतीचूर, जो ऋषिकेश के रास्ते में पड़ता है? वही। जी जी, वही। आपके पास इसके पिता का या घर में किसी और का नंबर है? जी, किसी और का तो नहीं है, पर आतिश का नंबर है मेरे पास, वो भी 4 साल पहले वाला, जब वो किराए पे रहता था। नंबर लिखवाइए। The number you have reached is not in service. The number you have reached. सर, ये नंबर आउट ऑफ सर्विस बता रहा है। ये जगन्नाथ मिश्रा जी का घर है? जी, वो मेरे पति हैं। ये आपका बेटा आतिश है? हाँ, हाँ, ये हमारा आतिश है। क्या हुआ?
मेरी कार चलो। क्यों, क्या हुआ बेटा? वो पुलिस आई है, आतिश भैया को कुछ हो गया। चल 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 चल। देखिए संभालिए अपने आप को, आपको अभी पुणे जाना होगा, बॉडी की पहचान करनी होगी। बॉडी अभी भी शवघर में है, मर्डर हुए एक हफ्ता बीत चुका है। किससे मारा मेरी बेटी को? पता लगाना अभी बाकी है, पुणे पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। पढ़ाई में अच्छा था, स्कूल देहरादून से की और इंजीनियरिंग पढ़ने यहाँ आया था। हमारी एक ही उम्मीद थी। आपका बेटा इंजीनियरिंग नहीं कर रहा था, हमने जिस कॉलेज में चेक किया वहां से तो नहीं कर रहा था। नहीं नहीं, वो किसी पीएमआई पीएमआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जी नहीं, आपका बेटा वहां नहीं पढ़ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है, इंजीनियरिंग के तीसरे साल में पढ़ रहा था, हर साल मैं फीस भेजता था। आपके बेटे ने आपसे झूठ कहा है। देखिए हमें उसका मोबाइल नंबर चाहिए, मर्डर से ठीक पहले किसी लड़की से उसकी लड़ाई हुई थी। आपके पास उसका नंबर तो होगा ही। वो मेरी बेटी रजनी के पास उसका नंबर होगा। चार 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 पाँच छः सात छः चार पाँच। The number you have called is switched off. बंद आ रहा है सर। रिकॉर्ड निकलो। सर। शव की पहचान हो चुकी थी, आतिश के माता पिता आ गए थे और उन्हें शव सौंप दिया गया था। अब इस हत्या का मकसद जानना बाकी था और बाकी था उस लड़की का पता लगाना। अब देखना यह था कि क्या आतिश के फोन रिकॉर्ड्स, उसके कत्ल के पीछे छिपे इरादे और उसके मुजरिम को पुलिस के सामने लाने में मदद कर पाएंगे। सर आतिश के मोबाइल पे लास्ट कॉल 4448987 89 इस नंबर से 21 मार्च को सुबह 10 बजे किया गया, जिस दिन वो मारा गया। ये नंबर लिस्ट में बहुत बार है, आतिश इस नंबर पे रेगुलरली बात किया करता था। ये कोई सुराग हो सकता है। The number you have called is currently switched off. Switched off है सर। इसके भी रिकॉर्ड्स निकलवाओ, हो सकता है मर्डर के बाद इसे बंद कर दिया गया। नीना शर्मा B12 विंध्याचल अपार्टमेंट्स, इसका फोन उसी दिन से स्विच ऑफ आ रहा है जिस दिन आतिश मारा गया था। लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। जी कहिए। नीना शर्मा जी, बात क्या है? नीना शर्मा कौन है? मेरी बेटी है, पर बात क्या है? उसका फोन बंद है, कहाँ है वो? जी पहले ये तो बताइए कि बात क्या है। 24 साल का एक लड़का आतिश मिश्रा का मर्डर हो गया है, आपकी बेटी उसे जानती है। जी लेकिन इसमें वो शामिल नहीं है। एकदम शामिल है, अब आप बताएंगे वो कहाँ है? देखिए सर, वो पहले से ही बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेस है, और मैं कह रही हूँ ना, इस सब चीज से उसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए मैडम, अच्छा होगा आप हमें उसका कोई पता ठिकाना दे दीजिए, वरना उसे बचाने के इल्जाम में मजबूरन आपके नाम का अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ ना, इस सब में मेरी बेटी शामिल नहीं है। आप बताएंगी वो कहाँ है? अगर वो शामिल नहीं है तो ना आपको डरने की जरूरत है ना उसे, लेकिन हमारे लिए उससे बातचीत करना बहुत जरूरी है, वरना मजबूरन उसके नाम का सर्च और अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा। जी अभी वो मुंबई में अपने मामा के घर। अच्छा होगा आप हमें उसका कोई ऐसा नंबर दीजिए जो चल रहा हो, ताकि हम उसकी मदद कर सके। हाँ अगर वो निर्दोष है तो।
नहीं सर, ये वो लड़की नहीं है। हाँ सर, ये वो लड़की नहीं है। आतिश मिश्रा को जानती थी तुम? कैसे? नीना बताओ, आतिश मिश्रा को तुम कैसे जानती थी? बॉयफ्रेंड था। नीना आतिश का मर्डर हो चुका है, और जिस दिन उसका मर्डर हुआ यानी 21 मार्च उस दिन सुबह 10 बजे तुम्हारे मोबाइल से उसके मोबाइल पर लास्ट फोन कॉल गया था। इस बारे में कुछ कहना है? और देखो, इस मर्डर के बारे में जो कुछ जानती हो साफ साफ बता दो। जी वो रानी उससे बात करना चाहती थी। कौन रानी? रानी हैदर। कौन है रानी हैदर? तू उसे ही फोन क्यों नहीं कर लेती रानी? कैसे करती, वो आतिश मेरे फोन तक नहीं लेता। तो तू मुझसे क्या चाहती है रानी? मैं उससे बस एक आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। तू उससे बोलना कि वो मुझे आ जाके 12:30 बजे गायतुंडे पार्क पर मिले, बस एक आखिरी बार। हमेशा के लिए सारा का सारा हिसाब किताब खत्म कर देना चाहती हूँ मैं। रानी का ऐसा कौन सा हिसाब था जिसे वो खत्म करने की बात कर रही थी? मुझे नहीं मालूम है। वो आतिश और रानी के बीच की कोई बात थी। ओके नीना, तुम कहती हो तो मैं रानी से मिलूंगा। ठीक है आतिश, लेकिन कोई झगड़ा मत करना। मेरे और रानी के बीच में वैसे ही चीज़ें ठीक नहीं है। देखो तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हमारे बीच कुछ गड़बड़ हो। ओके? मुझे नहीं पता था रानी आतिश को मार देगी। तुम्हारे और रानी के बीच क्या था? आतिश और रानी के बीच क्या था? रानी आतिश से क्यों मिलना चाहती थी? रानी ने मुझे आतिश से इंट्रोड्यूस करवाया था। हाय स्वीटहार्ट। हे हाय। 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 ये नीना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। इसे अपने करियर को लेके थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी, तो मुझे लगा तुमसे बेटर कौन हो सकता है हेल्प करने के लिए। अभी क्या कर रही हो नीना? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ। आई मीन पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ्स या फिजिक्स के साथ मास्टर्स करूँ। एक्चुअली मेरा मेन सब्जेक्ट हमेशा से फिजिक्स ही रहा है, बट पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। नीना तुम फिजिक्स को लेकर श्योर नहीं हो। मुझे लगता है 2 साल बाद तुमने रियलाइज़ किया कि तुम्हें फिजिक्स पसंद ही नहीं। या लेकिन तुम्हें एक चीज तो डिसाइड करनी होगी। वो क्या? तो रानी आतिश की गर्लफ्रेंड थी और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, और उसी ने तुम्हें आतिश से मिलवाया था ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन तुम किस सब्जेक्ट से कर सको इस बारे में वो तुम्हें एडवाइस कर सके। जी सर। और तब वो क्या कर रहा था? जी वो कॉरेस्पोंडेंट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। आर यू श्योर? हाँ सर। क्यों? क्योंकि घर पे उसने ये कहा था कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है। खैर, तो तुम आतिश से मिली और आतिश तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया और रानी को डंप कर दिया। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस वो क्या। जाहिर सी बात है, इससे रानी बहुत परेशान हुई होगी। जी। रानी बेल तोड़ेगी क्या? तेरा मुंह तोड़ना है मुझे। रानी मैंने कुछ नहीं किया है, बस वही मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया। अच्छा, तू क्या कोई मिस वर्ल्ड है या फिर मोनालिसा है? क्या है तू? कोई ऐसे ही नहीं अट्रैक्ट होता। जरूर तूने ही डोरे डाले होंगे उस पर। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तूने। तूने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे ही छीन लिया। वो आजकल मेरे फोन कॉल तक नहीं ले रहा। और
तब जाके मुझे पता चलता है कि तुम लोग दिन दिन भर कॉफी शॉप में बैठे रहते हो, रात रात भर फोन पर बातें होती रहती हैं। और तुझे क्या लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा? जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना, उनसे कोई बात नहीं छुपती। रानी, बिलीव मी, मैं तुझे बताने वाली थी लेकिन डर रही थी। मेरे पीठ पीछे रंगरलिया मनाते वक्त तो डर नहीं लगा? दोस्ती निभाने के टाइम डर गई तू? सॉरी रानी, लेकिन तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? देख, बात को समझने की कोशिश कर। अब आतिश मुझसे प्यार करता है, हम सबके लिए अच्छा होगा अगर तू इस बात को मान ले और हमारे रास्ते से हट जा। तुझे जरूर कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा रानी। तू ही रख लेना सारे लड़के, तेरा पेट नहीं भरता ना। मैंने तुझे अपनी दोस्त समझकर उससे मिलाया और तूने दगाबाजी करने से पहले एक बार तक नहीं सोचा। और हाँ, एक और बात, ये आतिश है हमेशा के लिए तेरे साथ नहीं रहने वाला। मूंगफली है तो उसके लिए टाइम पास कर रहा है वो तेरे साथ। तेरी दोस्त हूँ इसलिए तुझे बता रही, वो तुझे यूज कर रहा है और यूज करके फेंक देगा। याद रखना मेरी ये बात। रानी आतिश को तंग करने लगी थी, इसीलिए आतिश ने अपना घर शिफ्ट कर लिया। रानी आतिश को तंग कैसे कर रही थी? जी, तेरे मोबाइल में मेरी जो क्लिप्स है वो मुझे दे दे। रानी, मेरे पास तुम्हारे कोई क्लिप्स नहीं है। मैं जानती हूँ कि तूने वो क्लिप्स बनाई थी, और अब जब हम दोनों अलग हो चुके हैं मैं नहीं चाहती कि वो तेरे पास रहे। मैं उन्हें डिलीट कर चुका हूँ। तो फिर अपना फोन दिखा मुझे। क्यों दिखाऊं? अब हम अलग हो चुके हैं। तो फिर मेरी क्लिप्स दे क्यों नहीं देता मुझे? अरे चल जाना यार, पका मत। आतिश, आतिश दरवाजा खोलो। आतिश मुझे वो क्लिप्स दे दे। आतिश, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो क्लिप्स कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम है सर, आतिश रानी से बात नहीं कर रहा था इसलिए रानी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, और फिर रानी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई थी कि मैं उसे आतिश का नया एड्रेस दे दूँ। लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि मैंने आतिश से प्रॉमिस किया था। अब रानी का आतिश से बात करने के लिए मुझे बार बार फ़ोन करना और आतिश का बार बार उसे अवॉइड करना, इन दोनों के बीच में मैं पिस गई थी। आखिरकार मैंने हार मान ली और आतिश को रानी से मिलने के लिए कह दी। मैं उससे बस एक आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, तो उससे बोलना कि वो मुझे आज आके 12:30 बजे गायतुंडे पार्क पर मिले। ओके नीना, तुम कहती हो तो मैं रानी से मिलूंगा। नीना, रानी के साथ आए दो लड़के कौन थे? मुझे नहीं मालूम है सर। ये रानी रहती कहाँ है? रानी हैदर जी, वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? वो नागपुर गई है एक दोस्त की शादी में। कौन सी दोस्त? और नागपुर में कहाँ है शादी? वो एक दोस्त है वहाँ पे नागपुर में। चलिए। अरे चलिए। आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं कह रही हूँ आपको वो नहीं है। अरे आप समझ। मुकेश यार, मुझे 1 महीने की नोटिस देनी होगी। अरे पर तू तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना? हाँ यार, देख जॉब तो मैं छोड़ दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। क्या चाहिए तुझे मुझसे? कुछ नहीं, बस तेरे फोन में जो क्लिपिंग्स है वो मेरे हवाले कर दे। मैंने बोला ना, डिलीट कर दिया वो। आतिश तू झूठ बोल रहा है। देख देख, मैं जानती हूँ कि तूने मेरी कैसी कैसी हालत में क्लिपिंग्स निकाली, अब तेरा और मेरे बीच कुछ रहा भी नहीं तो फिर? तो फिर छोड़ देना मुझे। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, तब तक नहीं जब तक तू अपना फोन या मेमोरी कार्ड मेरे हवाले नहीं कर देता। अरे चल जाना। देखो आतिश, मैं बता रही हूँ, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तो क्या कर लेगी तू? देख मैं तुझे बता रही हूँ, ये सब करके तेरा कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने भाई को फोन लगा रही है मुझे डराने के लिए? मुन्ना ये नहीं मान रहा, तू आ जा। कर क्या लगी तू? मैं तुझे कुछ भी नहीं देने वाला, और हाँ है मेरे पास क्लिप्स, अगर तू मुझे ऐसे ही परेशान करेगी ना तो मैं जरूर उनको यूज करूँगा, समझी? एक
तेव्हा हे करून जातो ना, म्हणून तर एक राणी इसने कुछ नहीं है, तुम समझो फोन दो मुझे, तुम समझो इसने कुछ नहीं है, मैंने कहा तुम क्या बे बहुत हीरो बन रहा है, देख मुन्ना तो बीच में था, ये मेरे और रानी के बीच की बात है। ये मेरी बहन है, इसकी इज्जत की बात है, जो ये मांग रही तू उसे दे नहीं रहा है, परेशान कर रहा है उसे। अरे मैं उसे कह चुका हूँ कि मैंने डिलीट कर दिया सब कुछ। तो तू अपना फोन दिखा के नहीं रहा है? नहीं दिखाऊंगा अपना फोन, पर मैं अपना फोन किसी को नहीं दूंगा। क्यों दूं? और हाँ, तुम दोनों से गलतफहमी मत रहना कि ऐसा कहकर मुझे डरा धमका लोगे, समझे? चलो निकलो यहाँ से, चलो। तो चिप भी नहीं देगा? नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? तो हम खोल ले लेंगे। फोन उठा। चल 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 रानी, मुन्ना और मनोज इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है और पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही है। जो हुआ उसके शौक से नीना अब भी उभर नहीं पा रही है और रानी का परिवार तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि उनकी बेटी किसी का कत्ल भी करवा सकती है। दोनों ही परिवारों को रानी, नीना और आतिश के बीच चल रहे दीवानगी के खेल का अंदाजा भी नहीं था। आतिश का परिवार जहाँ एक तरफ अपने जवान बेटे के जाने के दुख को झेलने की ताकत बटोरने में लगा था, वहीं दूसरी तरफ ये सोचकर हैरान था कि उनका बेटा परिवार से इतनी दूर रहकर भी हमेशा झूठी बोलता रहा कि वो क्या कर रहा है। इस अपराध से जुड़े सभी लोगों की उम्र 20 साल से जरा ही ऊपर यानी कि अर्ली 20s में थी। ये कहना बेवकूफी और बेकार होगा कि ऐसी घटनाएं नई टेक्नोलॉजी की वजह से और बदलते वक्त की वजह से हो रही हैं। ऐसे में गिरते मूल्यों और आदर्शों का रोना भी बेमानी है, क्योंकि ये सब हमें किसी हल की तरफ नहीं ले जाने वाला है। वक्त बदल रहा है ये हकीकत है, और बदलते वक्त के साथ चीजें और तेज और बेचैन होती जाएंगी। ऐसे हालात में बच्चों में, नौजवानों में शायद बेसिक समझ पैदा करना ही एक सही तरीका है। उन्हें ये समझाना कि जरूरी नहीं है कि रिश्ते हमेशा सही चलें, आपके मन मुताबिक ही रहें। बहुत मुमकिन है कि वो टूट जाएं, और इस सच्चाई का सामना करना उन्हें आना चाहिए। उन्हें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने करीबी और अकेलेपन के पलों को टेक्नोलॉजी के जरिए कैद करना सही नहीं है, क्योंकि जब कभी हालात बदल जाएंगे तब ये एक बहुत चिंता का कारण बन सकते हैं। फिर चाहे वो रिश्ता टूटने की वजह से हो या छोटी सी गलती, छोटी सी फिसलन की वजह से, जितना हम हालात को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही हम समाधान के करीब जाएंगे। कहते हैं कि समस्या की पूरी समझ ही समस्या का समाधान है, और अगर आज तक हम इसका समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं तो ये इस बात का इशारा है कि अभी समस्या को पूरी तरह से समझना बाकी है। सारा इल्जाम बदलते वक्त और गिरते मूल्यों के मत्थे मड़ते रहना हमें हल के करीब नहीं बल्कि हकीकत से दूर ले जा रहा है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, और सभी नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी हर समस्या को अपने माता पिता के साथ शेयर करें, और माता पिताओं से ये रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों की हर समस्या को खुले विचार से समझें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।